नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अजय देवगन और सोरा राय पोटरू को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार धमतरी गरियाबंद समेत छत्तीसगढ़ के आठ जिलों में रेड अलर्ट जारी गुजरात दौरे आरोप केंद्रीय मंत्री अमित शाह ई एफ आई आर और सुविधा का करेंगे शुरुआत अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की आज घोषणा कर दी गई है विजेताओं की सूची नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित की गई जिसमें तमिल फिल्म सोरा राय पोटरू के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को और सोरा राय पोटरू के अभिनेता सूर्या को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला इसके अलावा मनोज मुंतशीर को फिल्म साइना के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला इसी के साथ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को सोरा राय पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला मलयालम फिल्म अकेअपन कोश्याम के लिए देवांगन निर्देशक सचिदानंद के आर को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मैं सभी जूरी सदस्यों को उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके काम की समीक्षा की गई और उन प्राप्तकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा उन्होंने आगे कहा मुझे खुशी है कि इस साल अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को आयोजित कर पाए क्योंकि हम दो साल से कोविड के कारण पुरस्कार नहीं दे सके सावन महीने की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है मूसलाधार बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में कई नदी नाले उफान पर है इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रेड व येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हुए हैं शनिवार के लिए धमतरी गरियाबंद कांकेर कोंडागांव नारायणपुर बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा व वा उससे लगे क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट और रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बलौदा बाजार महासमुंद बेमेतरा कबीरधाम बलौदा जांजगीर बिलासपुर में येलो अलर्ट की चेतावनी दी है इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा के आसार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह ई सेवा और गांधीनगर में पुलिस के लिए सीसीटीवी आधारित कमांड एवं नियंत्रण कक्ष समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह शनिवार सुबह गांधीनगर में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में निगरानी और यातायात प्रबंध के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन करेंगे सरकार की ओर ऐसी जारी एक विज्ञापित के अनुसार इसी कार्यक्रम में अमित शाह राज्य के गृह विभाग की ई परियोजना का शुभारम्भ करेंगे इस सेवा में लोग विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर घर बैठे ही वाहन या मोबाइल फोन की चोरी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे अमित शाह पुलिस कर्मियों के लिए शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरों की भी योजना की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए आइकन को प्रेस करें